तो राजा भाई हम किसान भाइयों को देखते हैं कि मेड़ वाला भी गन्ना लगाते हैं और प्लेन खेतों में भी गन्ना लगाते हैं जी। तो प्लेन खेतों में गन्ने का कटने का बड़ा चांस होता है जी। कैसे आप सफाई कर सकते हो इसका खरपतवार का? भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, प्लेन जगह पे जो नए किसान है वो प्लेन जगह पे ही गन्ना लगाते हैं और उसमें कटने का बड़ा खतरा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी टास्क आती है इन गन्ने के ऊपर मिट्टी भी लगाना होता है। आज मैं फार्मर भाई को ऐसी मशीन दिखाऊंगा जो बिल्कुल सीधी चलेगी और बिल्कुल भी ये गन्ने का खुटे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अच्छा, और साथ में मिट्टी कैसे लगाएगा वो दिखाऊंगा जी। अच्छा जी, बिल्कुल। अरे बेटे आज मैं आपको ये हमारी बैक रोटरी दिखाऊंगा जो बिल्कुल सीधी चलेगी, एक भी गन्ने का खुट नहीं कटेगा भाई। अच्छा बेटे, और ये बड़ी ही हल्की है और सबसे बड़ी बात है इसकी जो पावर है वो 7.75 की है, टर्बो के साथ इसका इंजन का डिजाइन किया गया। अच्छा है। जी जी जी। तो इससे आप गन्ना में खेतों में लाइव चला करके दिखाइएगा और इससे आपका दावा है कि गन्ना भी नहीं कटेगा? अरे गन्ना भी नहीं कटेगा और जिस तरीके की मिट्टी फार्मवाई चाहिए वैसे ही मिट्टी चढ़ जाएगी जी। अच्छा जी 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 जी। तो राजा भाई मशीन तो देखने में काफी अच्छी लग रही है लेकिन इस पे आपने लगाया क्या हुआ है? देख रहे हैं प्रीमियम टर्बो इटालियन आप लगाए हुए हैं। देखिए मैं एक एक चीज आपको आगे से समझा देता हूँ। ये इसके ऊपर ना ये भाई साहब वजन रखा हुआ है हमने। अच्छा जी। ये तकरीबन 20 किलो का वजन है। फार्मर भाई इसको निकाल भी सकता है। यार बेटा जरा निकालो वजन को। ये वजन इसलिए लगाया हुआ है, ये नट हमने अगर खोल देंगे ना जी, ये वजन निकल जाएगा। अच्छा जी। अगर टायर फार्मर भाई के स्लिप कर रहे हैं और मिट्टी बहुत सकता है टायर स्लिप करने लग जाते हैं तो ये इतना वजन हम फार्मर भाई को लगा सकते हैं। अच्छा जी। ये फार्मर भाई को मशीन के साथ ही देते हैं ताकि फार्मर भाई को दिक्कत ना आ सके। अच्छा जी, तो फार्मर भाई निकाल भी सकते हैं, चॉइस उनका रख भी सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर टायर स्लिप कर रहे हैं तो फार्म भाई इसको लगा सकते हैं, अगर टायर नहीं स्लिप कर रहे तो जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है प्रीमियम टर्बो इटालियन जी जी, इसका क्या मतलब ये भाई साहब? हमारा जितने भी अभी मॉडल है प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब जिसका कोई तोड़ ही नहीं है हिंदुस्तान में। ये इटालियन 7.75 के अंदर डिजाइन किया गया है। देखिए एक ही चीज, छोटी सी छोटी चीज दिखाने जाता हूँ। ये देखिए इसका चोक कितना हैवी है। ये देखिए भाई, ये देखिए जी, ये इसका पेट्रोल की है उसको बंद करने के लिए पेट्रोल को। ये सारा इसमें स्पेशल वाला किया। सबसे बड़ी बात है ये वाटर प्रूफ इंजन है। अच्छा जी, वाटर प्रूफ इंजन जी जी भाई, क्या बात है। और दिखवाता है ये सर मशीन के बारे में, आप एक गियर क्लच देख रहे हैं क्या क्या? देखिए ये इसका हैंडल है भाई साहब, इसको हैंडल को फार्म वाइज जितना मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी जी, जैसे मर्जी आप इसको 180 डिग्री तक फार्म वाइज घुमा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये देखिए भाई साहब, और बहुत आसानी से आप घुमा। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये हल्का सा ये दबाना है और वहीं पे लॉक हो। देखिए जहाँ पे मैंने छोड़ देना वहीं पे ये लॉक हो जाना। जी लॉक हो गया जी, क्या बात है। इसमें हम दो दो ब्रेक देख रहे हैं। अरे दो दो ब्रेक नहीं है भाई साहब, इसका ये सिस्टम है, इसमें डिफरेंशियल गियर लगा हुआ है। अगर फार्म वाइज ने लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला दबा देंगे, अगर राइट घुमाना है तो राइट दबा देंगे जी। अच्छा जी, डिफरेंशियल गियर दिया गया है। और इस मशीन में हमने 3 फॉरवर्ड गियर दिए हैं। ये देखिए बड़ा इस, देखिए यहाँ पे पहला रिवर्स गियर है जी, और जहाँ पे फार्म वाइज इस मशीन को न्यूट्रल कर सकते हैं, जहाँ पे न्यूट्रल हो गया। और इसमें 1, 2, 3 गियर तक फार्म वाइज यूज कर सकता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया भाई। अच्छा जी, 3 गियर के क्या इसमें काम भाई है? सर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है फार्म वाइज ने कितनी स्पीड पे चलाना है। और इसका जो रोटरी का जो गियर होता है वो अलग से दिया गया था। ये देखिए भाई। अच्छा जी, ये देखिए रोटरी का गियर है। और सबसे बड़ी बात है इस मशीन को रिवर्स भी आप चला सकते हैं। देखिए ये देखिए इधर आइए भाई साहब, ये न्यूट्रल हो गया, इसकी ये पहला गियर हो गया, ये इसका बैक रिवर्स गियर में भी इसकी जो पीछे की रोटरी है वो चलती है जी। अच्छा जी जी जी। तो राजा भाई हम तो सिर्फ मशीनों में गियर देखते हैं, आप रोटरी में भी गियर लगा दिए हो, हमने तो कभी देखा नहीं। और इसमें दो दो गियर क्या किस भाई साहब? इसका ये है, अगर तो फार्म भाई ने जैसे ये खपतवार निकालना है तो फार्म भाई आगे का गियर यूज कर लेगा। अच्छा जी। अगर फार्म भाई ने मिट्टी लगाना है। अच्छा जी। तो फिर उसमें रिवर्स गियर यूज होगा। उसके लिए भी अलग अलग गियर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मिट्टी लगाने के लिए रिवर्स गियर दिया गया। अच्छा है। जी, क्या इसमें सब कुछ गियर पे ही है, कुछ बेल्ट वगैरह? नहीं नहीं भाई साहब, जो ये बैक रोटरी होती है जिसमें आगे टायर हो पीछे रोटरी हो, ये कभी भी बेल्ट में लेनी ही नहीं चाहिए। अगर बेल्ट में रहेगी फार्म भाई तो जो बेल्ट स्लिप हो जाएगी तो फार्म भाई का प्रॉपर खपतवार नहीं निकल पाएगा। अच्छा जी, बेल्ट में तो कभी भी किसी से खरीदनी ही नहीं चाहिए, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, बाकी फार्मर भाई की मर्जी है जी। बिल्कुल। राजा भाई हम तो चाहेंगे कि मशीन के बारे में तो आपने काफी बता दिया, इसको डेमो करके दिखाइए कि वास्तव में ये बिल्कुल जी भाई साहब आपको ये जहां पे दोस्तों ये देख सकते हैं काफी दिनों तक खुदाई कर रही है। अरे भाई साहब देखिए इसमें जितना मर्जी फार्मर भाई डीप कर सकता है। अभी तो हमने जब सिर्फ पहले गियर में चलाई है, अगर दूसरे गियर में चलाते तो इसने और धमाल मचा देता। अच्छा जी, भाई साहब थोड़ा दूसरे गियर में करना। अरे बेटा दूसरे गियर में करना। अच्छा जी, ये देखिए दूसरे गियर में चला। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए गन्ने के खूट, ये देखिए भाई साहब।
ये देखिए प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गन्ने के बीचों बीच की जितने भी खरपतवार हैं सबको एकदम बारीक कर दे, बिल्कुल बारीक कर देगी। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी और कितनी खुदाई कर रही है, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए भाई साहब। राजा भी एक चीज और देख रहे हैं कि खुदाई भी काफी अच्छी कर रही है। अरे भाई साहब इसमें पावर ही इतनी ज्यादा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा जी राजा भाई, इतनी मतलब दमदार ये मशीन जो आपकी देख रहे हैं, इतनी अच्छी गहराई कर रही है, तो ये तो तेल भी ज्यादा पीती होगी। अरे तेल बहुत कम पीती है, ये मात्र 700 ml खाती है एक घंटे का जी। अच्छा एक घंटे में मात्र, क्योंकि इसमें जो 4-stroke का इंजन लगाया गया है, जो गियर बॉक्स है इसमें बड़ा है, ये 3 liter का गियर बॉक्स है। अच्छा गियर बॉक्स बड़ा होने के कारण इंजन के ऊपर लोड ही नहीं पड़ता, लोड ही नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें बेल्ट का उपयोग नहीं किया गया, अगर बेल्ट होती तो स्लिप मारती तो तेल ज्यादा खा जाती, इसमें कोई भी बेल्ट का उपयोग नहीं किया गया। अच्छा जी, अभी जो खेतों में चल रही है कितने इंच में रोटावेटर चल रहा है? अरे भाई साहब मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये तकरीबन भाई साहब अभी जो चल रही है 26-27 inch पे चल रही है, ये देखिए जी है। जी ये देखिए। अच्छा जी ये देखिए भाई साहब, तो क्या इतना ही साइज इसका होता है कि छोटा बड़ा भी हो सकता है? इसमें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। बिल्कुल देखिए जो अभी जो रूटली के टायर है ना भाई साहब, अभी ये तकरीबन ये हैं 23 inch पे हैं। अच्छा जी, अगर फार्मर भाई इसको अंतर करना चाहता है तो ये 18 inch तक, मतलब कि जहाँ तक कर सकता है, फार्मर भाई ने क्या करना है ये वाले उल्टे डाल देने हैं। अच्छा जी, और फार्मर ये तकरीबन आ जाएंगे 16 inch में। अच्छा जी, तो टायर का साइज भी अंदर बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल टायर का साइज भी अंदर बाहर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगर रोटरी फार्मर भाई ने छोटी करनी है जी, जहाँ पे ये पिन लगी हुई है ये वाली, ये मैं जो दिखाना हूँ, ये पिन निकाल देंगे, ये तकरीबन 16 inch में, 14 inch में, 18 inch में, जैसे मर्जी फार्म भाई एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे किसान भाई की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा ये 3 feet में 36 inch में काम करने के लिए सही काम करेगी। अच्छा जी जी, राजा भाई आपके पास हम देख रहे हैं इस मशीन का इक्विपमेंट और भी आप रखे हुए हैं, देखिए इक्विपमेंट का काम क्या क्या? भाई साहब देखिए, जैसे अब मिट्टी लगाएंगे, अगर ये रबड़ के टायर लगाएंगे ना स्लिप करेंगे, तो हमें इसमें पहले लोहे के टायर डालेंगे, और किस तरीके से मिट्टी लगाएगा वो दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल राजा भाई, किसान भाई को प्रैक्टिकल करके दिखाइए कैसे छोटे बड़े होते हैं। देखिए भाई साहब ऐसा है, फार्मर भाई ने क्या करना है, ये पिन निकाल लेना है, ये देखिए। अच्छा जी, और इसको ये ऐसे करके फार्मर भाई ने क्या करना है, ऐसे डाल देना है। अच्छा जी जी जी, ये टायर हो गए छोटे, ये छोटे, देखिए कितने भी फार्मर भाई एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मर्जी। अगर फार्मर भाई ने इससे भी बड़े करने हैं, फार्मर भाई को ये वाले हम साथ में भेजेंगे जी, तो इसको क्या करना है जहाँ पे डाल देना है। अच्छा जी, और फार्मर भाई ने ऐसे करके लगा देना है। अच्छा जी जी जी, क्या बात, मतलब कि कितने छोटे बड़े फार्मर भाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, कर सकते हैं अपने फार्मर भाई अपने हिसाब से कर सकता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, काफी कमाल का, काफी ताकत दिखा रहा है, मिट्टी में चला रहा है। अरे भाई साहब इसकी जो क्लच प्लेट है वो तेल में चलती है, इसलिए इस तरीके से मिट्टी चला रहा है, ये देखिए। अच्छा जी, आप किसान भाई देख सकते हैं, अगर किले किसान भाइयों को गन्ने पे मिट्टी भी चढ़ाना है उनके लिए भी आसान है, और अभी पहली गियर में इतनी दमदार ये मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो राजा भाई मशीन जो देख रहे हैं लगता नहीं कि इसके पास इतना ताकत होगा। अरे भाई साहब मैं फिर बोल रहा हूँ 7.75 टर्बो का है, इसलिए इस तरीके से मिट्टी चला रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये मिट्टी बिल्कुल गीली पड़ी है, ये देखिए भाई साहब, अगर सूखी मिट्टी होती फिर देखना क्या क्या तरह मजा, ये देखिए भाई साहब। भाई अभी यहाँ पे मशीन चला और ये आप खेत को पहले देखे थे प्लेन था, और अभी देखिए एकदम पूरा वी शेप में बना दिया है, और दोनों साइड आप देख सकते हैं वहाँ तक पूरा मिट्टी चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे किसान भाई आप देख सकते हैं कैसे ये जो पूरा प्लेन मिट्टी था और इसको पूरा वी शेप में बना करके काफी मतलब गन्ने पर मिट्टी चढ़ा रहा है। अरे भाई साहब ये बनाई स्पेशल इसे, किसी भी सब्जी हो उसमें मिट्टी लगाना है या उसमें खुदाई करना है, वहाँ पे यही एक ऐसी रोटरी है जो तो राजा भाई गन्ने के खेतों में इसको अगर किसान भाई टर्निंग लेना चाहे घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकते हैं? अरे भाई साहब मैंने पहले ही बताया था इसमें डिफरेंशियल गियर है, ये देखिए इसमें डिफरेंशियल गियर जैसे होता है, ये एक जो टायर है लॉक हो गया, ये दूसरा टायर घूम रहा है भाई साहब। अब जैसे इधर को घुमाना है हमने, ये देखिए ये टायर लॉक हो गया, ये देखिए दूसरा टायर घूमेगा, ये देखिए। तो किसान भाई अपना गन्ना नुकसान किए बिना इसको आराम से घुमा सकते हैं? बिल्कुल फार्म भाई, इसको डिफरेंशियल गियर होने के कारण फार्म भाई इससे वो आराम से चला भी सकते हैं और घुमा भी सकते हैं, कोई भी इसमें ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा,
बहुत ही आराम है जी। अच्छा जी, तो राजा भाई मशीन तो काफी दमदार है, इस दमदार मशीन को किसान भाई कैसे ले सकते हैं, क्या रेट है? देखिए किसान भाई मेरी कंपनी में आ सकते हैं, जो कि मेन हाईवे पे है, लुधियाना मलेरकोटला हाईवे पे है। अगर फार्मर भाई ट्रेन से आ रहे हैं, पहले लुधियाना आ जाएं, लुधियाना आके बस स्टैंड पे चले जाएं, वहाँ पे मलेरकोटला की बस पकड़ लें, मलेरकोटला की बस में बैठ के कुप का KUP कुप का टिकट ले लें। कुप से मात्र 2-3 किलोमीटर हमारी मेन रोड पे फैक्ट्री है, मेन हाईवे पे, तो मेरा ड्राइवर फार्म भाई को पिकअप कर लेगा, फार्म भाई कंपनी में ले आएगा। और अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका वैसे तो इसका प्राइस है 1,15,000, 20,000 की सब्सिडी काट के हम 95,000 का देंगे। और अगर फार्म भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, उन्होंने कंपनी का करंट अकाउंट या फ़ोनपे गूगल पे का नंबर दे देंगे, उन्होंने मात्र 5,000 रुपया डलवाना है और हम मशीन डिस्पैच कर देंगे। और जब मशीन कोरियर ऑफिस में पहुंच गया, तब बाकी का पैसा उन्होंने कंपनी के उसी अकाउंट में फ़ोनपे या गूगल पे कर देना है। और मशीन की जो डिलीवरी है बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा जी। तो राजा भाई जो लोहे का इतना सारा सामान देख रहे हैं जो कि काम आने वाला है, ये कितने का पड़ेगा किसान? अरे भाई साहब, ये सारा सामान फ्री में ही दिया जाएगा फार्म भाई को। अच्छा, इसमें हमें ये क्या, ये 2 रबड़ के टायर और साथ में ये जो 2.5 फिट की रोटरी लगी हुई है, ये साथ में देंगे। और ये 15 किलो वाला वेट भी फार्म भाई को साथ में फ्री देंगे। ये आयरन के बिल भी साथ में देंगे। और ये डिक्चर जो मिट्टी लगाने का प्रॉपर काम करते हैं, ये भी साथ में फ्री दिया जाएगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा जी। अच्छा जी। तो राजा भाई, बिहार से चल करके आपके फैक्ट्री पर हम आए हुए हैं किसान भाइयों के लिए, उनके लिए क्या डिस्काउंट होने वाला है? जो भी हमें आपके बेटे वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, उनको 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट करूंगा। स्क्रीनशॉट इसलिए मंगाते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ किस यूट्यूबर भाई ने हमारी वीडियो बनाई थी। जो भी हमें भेजेगा उसको स्पेशल हम 5,000 का मशीन देंगे। ये सारा ही सामान हम 90,000 में देंगे और डिलीवरी फ्री देंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस मशीन की गारंटी नहीं है, गारंटी है 1 साल की, फुल गारंटी है। मेरे फार्म भाई गलती से कैसे भी करके तोड़ दें, तोड़ दें, ऊपर से नीचे फेंक के तोड़ के फोटो भेज दें, बिल का फोटो भेज दें, नया ही दे दूंगा। गारंटी देते नहीं हूँ, गारंटी देता हूँ भाई साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो किसान भाई, जैसा कि ये कमाल का मशीन आपको हम डेमो करके दिखाए, राजा भाई ने खुद डेमो करके दिखाया और काफ़ी कमाल है, सब्जियों में और गन्ने में काफ़ी मतलब कारीगर है ये। और पूरा यहाँ पे अटैचमेंट जो आप देख रहे हैं, इतना सारा अटैचमेंट है, वो भी फ्री होने वाला है। तो वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 5,000 का छूट भी पाना चाहते हैं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके और राजा भाई के पास जरूर भेजिए, उसमें आपको स्पेशल 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय जवान, जय किसान।